पलामू प्रमंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब यूट्यूब पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुँचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। कांडी प्रखंड के सोनभद्र इंटर आदर्श कॉलेज कांडी के प्रांगण में विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ददई दुबे ने कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ एक बैठक किया। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 20 वर्षों तक आप लोगों ने मुझे अपने साथ रखा था, 5 वर्ष के लिए पुनः आपके बीच आया हूँ। अब फैसला आपको करना है कि मुझे स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने रुंधे गले से आगे कहा कि मेरा बेटा तुम मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता। वादा करता हूं कि आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। कहा, एक विपरीत परिस्थिति में मुझे चुनाव मैदान में आना पड़ा है, आपकी आशीर्वाद की आवश्यकता है। इस अवसर पर कांडी व सोहगढ़ा गांव के 20 नौजवानों ने ददई दुबे के समक्ष कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। सभी का माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया गया। कार्यक्रम के अंत में पार्टी के युवा नेता अजय दुबे के आकस्मिक निधन पर सभी ने 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य बिमला कुमारी, झामुमो नेता पिंकू पांडे, प्रखंड अध्यक्ष झरी प्रसाद, विकास उपाध्याय, मुर्तुजा अंसारी, आबिद हुसैन, नंदलाल दुबे, अशरफी तिवारी, अजय कुमार, जवाहर राम, कयामुद्दीन खान, रामदास राम, जाबिर अंसारी, इसराइल अंसारी, विजय राम, रघुनाथ प्रसाद गुप्ता, बड़ू दुबे सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। कोई नहीं है दिखाई पड़ा, सोनिया भी नहीं। हम कहे कि हम नहीं लड़ सकते। एक तरफ का बेटा का सौ है, मैं कल दफन करूंगा। गांव के लोग, इलाके के लोग, क्षेत्र के लोग, पूरे जिले के लोग आज रोड के किनारे खड़े होंगे। नहीं, 2 बजे रात को यहां से रेल गाड़ी चलेगा और हम लोग पहुंच जाएंगे टाइम पर।